अक्टूबर में हुकूमत का खात्मा, इमरान खान के खिलाफ खौफनाक प्लान तैयार, क्या होने जा रहा है, हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि इस्माइल हानिया की वफात पर पूरी दुनिया के मुसलमान सोगवार हैं। कल और आज मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में इनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इसमें एक नया पहलू सामने ये आया है कि इस्माइल हानिया की शहादत के तोफैल कहीं पर मुसलमान हाथ खोल कर नमाज जनाजा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं हाथ बांध कर नमाज जनाजा पढ़ते हुए नजर आ रही है, और मुसलमान जो दुनिया भर में तकसीम है वो पहली मरतबा मुत्तहिद नजर आ रही है। हामिद मीर ने कहा, लेकिन ये देखें, एक तरफ तो हम इस्माइल हानिया की शहादत पर मुत्तहिद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम आपस में तकसीम हैं। और आज पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसमें जो चीज डोमिनेंट कर रही है वो आपस की लड़ाइयां हैं और आपस की महाजराई है। हामिद मीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि अगले 15 दिन में एक दफा बड़ा ग्रैंड अलायंस बनने वाला है, और इसके साथ साथ पीटीआई ये भी दावा कर रही है कि अक्टूबर तक पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत इनकी खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ हुकूमत ये भी कह रही है कि जनाब फिक्र ना करें, हम आपका बंदोबस्त भी करने वाले हैं। अभी तो इमरान खान के मुकदमा सिविल अदालतों में चल रहे हैं, अब अनकरीब इनका मुकदमा फौजी अदालतों में भी चलेगा। तो सवाल ये है कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा,